हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स की। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन इस वक्त कैसा फील कर रहा है इस रिलेशनशिप में, और उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। और ये रीडिंग है मंथ ऑफ जून के लिए, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस। चैरियट, द लवर्स, एस ऑफ ग्रेन्स, Five of Skulls, and Eight of Grains. तो the lovers का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ प्यार और प्यार ही है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह से किसी और ही दुनिया में। आई थिंक ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फैंटेसाइज कर रहे हैं, और इस वक्त वो सिर्फ यही चाहते हैं कि आप उनके पास रहें, और कोई चीज़ इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इनकी सिर्फ प्रायोरिटी ही नहीं है इस वक्त, आप इनकी ओनली प्रायोरिटी है। यहाँ पे एट ऑफ ग्रेल्स है। एट ऑफ ग्रेल्स के साथ ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी अकेली जिंदगी से तंग आ चुका है, और इन्हें अपनी लाइफ की सारी चीजें यू नो बेमायने लग रही हैं आपके बिना, या कह सकते हैं इस लवली फीलिंग के बिना, इस लव के बिना। इनके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई और चीज इन्हें खुशी नहीं दे रही। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो हमेशा सिर्फ अपने करियर पे फोकस्ड रहा है, या यू नो इनके बहुत सारे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ये एक प्लेयर टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, पर इनके अंदर भी इच्छा है किसी स्टेबल रिलेशनशिप की, एक ऐसे लव की जो इनका हमेशा साथ दे और हमेशा जिस पे ये डिपेंड कर सके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई रंग नहीं है। ओके, ये पर्सन प्रैक्टिकल हो सकता है, अपने मटेरियल गेन्स पे फोकस्ड हो सकता है, हो सकता है कि अपने वर्क पे इतना ज्यादा फोकस्ड हो कि इन्होंने अपनी लाइफ में लव को कभी तवज्जो नहीं दी, और हमेशा लव एंड रोमांस इनके लिए बैक सीट पे ही रहे। और कभी इनके लाइफ में इन्हें ऐसा लगा भी कि इन्हें जरूरत है किसी पर्सन की, तो वो रिलेशनशिप सिर्फ कुछ समय के लिए रहे, क्योंकि किसी से भी इनका डीप कनेक्शन नहीं बन पाया। और आज ये पर्सन इस एम्प्टी कप के साथ खड़ा है। ये एम्प्टी कप यहाँ ये दर्शा रहा है कि इनके पास लव एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस तो है, जगह तो है, पर लव देने वाला कोई नहीं। एंड ये अब सारी चीजों से उग चुके हैं। ओके, जो भी मटेरियल चीजें हैं या जो भी यू नो सक्सेस से रिलेटेड है, जो भी इनके एम्बिशन थे, जो भी इनके शौक थे पैसों से जुड़े हुए या यू नो रिलेशनशिप से जुड़े हुए, वो सब पूरे हो गए, मगर कभी इन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इन्हें कनेक्टेड ही नहीं फील हुआ कभी। और अब ये वो कनेक्शन आप में देख रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ
आप ही उन्हें फील करवा सकते हैं या आप ही इतनी गहराइयों तक जा सकते हैं. ओके एंड यहाँ पे द चैरिट का कार्ड है. द चैरिट के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो एकदम से आगे बढ़े और आपको प्रपोज कर दें या आपके सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लें, आपको ये बताएं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं. पर फिर ये पर्सन रुक जाता है क्योंकि फाइव ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई चीज है जो आपके और उनके बीच में आ रही है. कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, उन्हें लगता है कि है. इनफैक्ट इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि वो आपको फोर्स कर रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए. और जब मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ तो हमेशा एक रोमांटिक लवर की बात नहीं होती. यहाँ पे कोई भी हो सकता है जो शायद इस रिलेशनशिप को लेके इतना पॉजिटिव नहीं है. यहाँ एस ऑफ ग्रेल्स है. एस ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन आपको एक गिफ्ट समझता है. उन्हें ऐसा लगता है कि जो कप उन्हें चाहिए था वो कप आप है. आई मीन इमोशन से भरा हुआ और पॉजिटिविटी से भरा हुआ जो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है. ओके तो वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. एंड अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. एट ऑफ स्कल्स, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ ग्रेव्स, सॉरी थ्री ऑफ स्कल्स, थ्री ऑफ ग्रेव्स. फाइव ऑफ सेप्टर्स. तो यहां पे थ्री ऑफ ग्रेव्स है. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली दूसरों का अटेंशन एंजॉय करते हैं क्योंकि वो आपको मिलता भी है बहुत आसानी से. इस पर्सन को लगता है कि आप शायद उनको सीरियसली भी ना लें क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे रिलेशनशिप्स में आ चुके हैं अपने पास्ट में, या वो फ्लर्टेशियस है. इसलिए इस पर्सन को लगता है कि आप ये ट्रस्ट नहीं करने वाले कि वो बदलने के लिए तैयार हैं या वाकई में उन्हें आपकी ज़रूरत है. थ्री ऑफ स्कल्स के साथ यहाँ पे ये पर्सन एक ड्रीम क्रिएट कर रहा है. ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सोच रहे हैं इस वक्त एंड धीरे धीरे उसकी तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं. ओके एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सीरियस चल रहा है. स्ट्रेंथ के साथ इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ तो है, भले ही अभी वो कितने भी निराश हो, अभी उन्हें कुछ भी लग रहा हो, पर वो गिव अप करने वालों में से नहीं है. फाइव ऑफ सेप्टर्स के साथ ये पर्सन अपने डर से भी लड़ रहा है. ये डर है रिजेक्ट हो जाने का, पर कोई बात नहीं. एट ऑफ स्कल्स के साथ वो बहुत होपफुल है. उन्हें लगता है कि वो कुछ नया कर ही लेंगे. ये जो रिलेशनशिप है वो एक नए सिरे से शुरू हो सकता है ऐसा उन्हें लगता है और इस पे वो वर्क कर रहे हैं. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. Birthing a new age, birthing new creations, dreaming a new world into being. तो यहाँ पे आप जो भी ड्रीम कर रहे हैं वो रियलिटी में क्रिएट हो सकता है. यानी कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को सुन रहा है और आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की ताकत है.
आप जिस भी चीज को चाहेंगे उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, और यहाँ से कुछ नया जरूर शुरू हो रहा है। ये पर्सन आपको काफी बदलाव सा नजर आएगा। तो ये है रीडिंग जून की आपकी पर्सन की, करंट फीलिंग्स की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।